वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। इसलिए किसी का ये कहना कि हमने 370 के बारे में बात नहीं की, अरे पार्लियामेंट में तो 3 साल से नहीं अकेला ही बात कर रहा है और तो किसी ने की नहीं। लेकिन जब वो कोर्ट में है तो मैं लोगों को खुश करने के लिए जो अभी हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई अभी मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं ये नहीं कह सकता मैं चांद को जमीन पे उतारूंगा, क्योंकि वहां मुमकिन नहीं। इसलिए 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई कर सकता है वो मौजूदा मरकजी सरकार कर सकती है। मौजूदा सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कम एमपी बनेंगे तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। इसलिए 370 के बारे में हर जगह बात नहीं करूंगा। इतने लड़ाइयां ऊपर से भी और मुठभेड़ से भी आसपास से शायद ही किसी शहर ने देखी होगी, डिस्ट्रिक्ट के देहाती इलाकों ने देखी होगी, लेकिन शहर ने नहीं देखी होगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ने नहीं देखी। और मैं मुबारकबाद देता हूं पुंछ के हमारे हिंदू मुसलमान सिख इस शहर में ये तीनों लोग रहते हैं, तीनों धर्मों के लोग रहते हैं और यही हमारी पहचान भी है, हमारी कुल की पहचान है, हमारी रियासत की पहचान है, हमारे सेकुलरिज्म की पहचान है। क्या बड़े प्रेम से प्यार से पाकिस्तान से पीओके से लड़ते रहे और इस इलाके की हिफाजत करते।